आज हम कराने वाले हैं गणित पैडागॉजी जो सी टेट में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को हम आज मैथ पैडागॉजी कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक गणितीय प्रमेय है। एक गणितीय प्रमेय क्या है? एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक कथन जिसकी सत्यता का असत्यता की कोई जानकारी नहीं होती। एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित होती है। आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है यूक्लिड ने, पाइथागोरस ने, डेकार्त ने, ऑयलर ने। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार दिया है यूक्लिड ने। अगला क्वेश्चन, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्णन अभिलेख, ओलंपियड। तो क्षेत्र भ्रमण होता है, ओलंपियड भी होता है, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? आगमन विधि द्वारा उपपत्ति, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, प्रति सकारात्मक उपपत्ति। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो प्रत्यक्ष उपपत्ति से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? मान दर्शन, पक्षांतर, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, ये होता है, लेकिन कंठस्थीकरण नहीं होता है। तो इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन 38.5 सेंटीमीटर परिकलित किया। उसने कहा गलती की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। गणित निपुण
गणित निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर रूपित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विद्यार्थियों को विभिन्न प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना चाहिए। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमा वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पियाजी के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्क क्रम में। तो बच्चे में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ ज्ञान इंद्रियों प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, आप लोग माइंड फाइव अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है और अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सीटेट एग्जाम की चल रही है। तो माइंड फाइव अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब को लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।